हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लाइमैक्स सिटी पर। आज हम साउथ कोरिया की फिल्म सोलमेट देखने वाले हैं। गाइस, ये मूवी मार्च 15 को रिलीज की गई थी, जिसे चाइनीज फिल्म से अडॉप्ट किया गया था विद सेम नेम। ये कहानी बेस करती है दो बेस्ट फ्रेंड्स पे, जो कभी साथ में रहा करते थे, लेकिन किसी वजह से उनके बीच में दूरियां बढ़ती चली गई। क्या वो पहले जैसे हो पाएंगे या नहीं, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना यहाँ से जाना नहीं। सब बिना किसी देरी के मूवी देखते हैं। फिल्म के स्टार्टिंग सीन में हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है आ मिनसू से, जो एक आर्ट गैलरी में आई हुई थी। उस आर्ट गैलरी की क्यूरेटर मिनसू को एक पेंटिंग दिखाती है जो उसकी बेस्ट फ्रेंड हेयुन ने बनाया था, और ये पेंटिंग और किसी की नहीं, मिनसू की बचपन की पेंटिंग थी। क्यूरेटर उसे बताती है कि ये जो पेंटिंग है, इसे हम हाइपर रियलिज्म कहते हैं, यानी पेंटिंग बिल्कुल हूबहू फोटो जैसे दिखाई देती है, प्लस ये पेंसिल से बनाई जाती है। ये इतना परफेक्ट है कि हाल ही में हुई हमारी पेंटिंग कॉन्टेस्ट में ये पेंटिंग जीती है, बट हम हेयुन जिसने ये पेंटिंग बनाई है उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, और ना ही वो हमारी ईमेल्स का जवाब दे रही है। सर्च करने पर हमें उनका एक ब्लॉग समर मिल्की वे मिला है, जहाँ उन्होंने आपका जिक्र किया है। काफी क्लोज थे आप दोनों, इसलिए हम चाहते हैं कि आप उन्हें हमारे बारे में बताएं। मिनसू पेंटिंग को देख के ऑलरेडी खोई हुई थी। वो क्यूरेटर से कहती है कि वो टच में नहीं है। क्यूरेटर मिनसू को कन्विंस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। लिफ्ट में जाने से पहले उसकी मुलाकात होती है जिन वू से, जो उसे देखकर हाय बोलता है और हेयुन के बारे में पूछता है, बट मिनसू यहाँ भी टच में नहीं है करके बोलती है और दुखी मन से चली जाती है। उसी शाम ऑफिस में काम कर रही मिनसू हेयुन के बनाई हुई पेंटिंग के बारे में सोचकर उसका ब्लॉग पढ़ने लगती है, और हम आते हैं पास 1988 में, जब हेयुन की मुलाकात मिनसू से स्कूल में होती है। मिनसू स्कूल में न्यू एडमिशन थी और हेयुन के साथ ही बैठती थी। वो दोनों फर्स्ट डे में ही क्लोज आ गए थे, और मिनसू हेयुन का नाम समर मिल्की वे रखती है। वो दोनों रास्ते में पड़े एक बिल्ली को अपने साथ हेयुन के घर में लेके आते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। मिनसू उस रात हेयुन के घर में ही रहती है, और हेयुन के पेरेंट्स भी उसे पसंद करने लगते हैं। खाना खाने के बाद मिनसू की मॉम उसे लेने के लिए आती है और कार में उसे डांटती है, क्योंकि पहले ही दिन स्कूल से भागकर वो यहाँ हेयुन के साथ थी, और ये खबर मिनसू की मॉम को नहीं पता थी। इस पे मिनसू कहती है कि वो बार बार ट्रांसफर की वजह से और स्कूल चेंज होने की वजह से अपसेट है, लेकिन मिनसू की मॉम इसमें कोई मदद नहीं कर सकती थी। जल्दी ही वो दिन आ जाता है कि मिनसू की मॉम फिर दूसरे शहर में ट्रांसफर होती है, बट इस बार मिनसू हेयुन के साथ उसके घर में ही रहने लगती है। हेयुन ड्राइंग बहुत अच्छा बनाती थी, इसलिए मिनसू सजेस्ट करती है कि वो एक आर्टिस्ट बन सकती है, बट हेयुन उसे बताती है कि उसके फादर उसे टीचर बनाना चाहते हैं। खैर, कुछ साल ऐसे ही पास हो जाते हैं और वो दोनों हाई स्कूल में पहुंच गए थे। मिनसू रात को क्लब में बारटेंडर का काम करती थी एंड हॉस्टल में रहती थी। हेयुन का बर्थडे आने वाला था, इसलिए मिनसू सरप्राइज गिफ्ट में इयररिंग्स देना चाहती थी, इसलिए वो हेयुन को शॉप में कान छिदवाने के लिए लेके जाती है। जैसे ही हेयुन का एक कान में छेद होता है, मिनसू गलती से शॉप में रखे सामान गिरा देती है, और वो दोनों हंसते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। उसी रात मिनसू हेयुन को अपने साथ स्लीपओवर करने के लिए हॉस्टल में लेके जाती है, और उसे कहती है कि वो सिर्फ 27 इयर्स तक ही जीना चाहती है। इस पे हेयुन गुस्सा होती है, लेकिन मिनसू उसे मना लेती है। अगले दिन मिनसू हेयुन को लेके एक बंद अपार्टमेंट में जाती है और उसे केक देकर बर्थडे सरप्राइज देती है। देन हम देखते हैं कि मिनसू उसे इयररिंग्स देती है। अब क्योंकि एक ही कान में छेद हुआ था, इसलिए हेयुन एक इयररिंग उसे दे देती है। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि हेयुन बताते हैं कि उसे एक लड़का पसंद है, लेकिन उसने अभी तक उस लड़के को अप्रोच नहीं किया है। ये सुनकर मिनसू अगले दिन उस लड़के से मिलती है, जो और कोई नहीं, जिन वो था। मिनसू उसे बोलती है कि कल जब तुम क्लब सोरी में गेम खेलोगे, वहाँ जो लड़कियाँ आएंगी उनमें से एक तुम्हें पसंद करती है, तो तुम उसे मना मत करना, और हाँ, तुम मुझे नहीं पहचानते। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह स्कूल में हेयुन सोरी क्लब में गो और स्टॉप का गेम खेलती है, जिसमें आपको अपना पार्टनर चूज करना होता है, और हेयुन एंड जिनवू एक दूसरे को चूज करते हैं। वो दोनों कैफे में जाते हैं और हेयुन उसका ड्रॉइंग बनाते हुए कहती है कि वो उसको पसंद करती है और उसका फोटो खींच लेती है। उसी रात हेयुन जिनवू को मिनसू के क्लब लेके जाती है और दोनों से मीट करवाती है एंड वॉशरूम चली जाती है, ताकि वो दोनों जान पहचान कर ले। मिनसू अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन जिनवू उसे पहचान लेता है और दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है। जिनवू को पता चल जाता है कि मिनसू काफी क्लोज है हेयुन से। इतने में हेयुन वापस आती है और क्लब के बैंड मेंबर्स जो गाना बजा रहे थे, मिनसू को गाने के लिए स्टेज में बुलाते हैं। इस सीन में हमें पता चलता है कि मिनसू काफी एक्सट्रोवर्ट पर्सन थी, जिसे लोगों से मिलना गुलना अच्छा लगता था। खैर, दिन बीता और बहुत जल्द मिनसू, हेयुन और जिनवू साथ में घूमने फिरने लगे। वो बीच वगैरह एंजॉय कर रहे थे एंड अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे।
देन वो तीनों एक माउंटेन में जा रहे थे विश मांगने के लिए, लेकिन हेई उनके पैर में मोच आ जाता है जिसकी वजह से वो चल नहीं पाती। इसलिए वो जिनवू और मिनसू को आगे जाने बोलती है एंड उसी समय हेई उन मिनसू का पिक खींचती है जिसके थ्रू वो ड्रॉइंग बनाई थी। एनीवे नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिनवू और मिनसू एक गुफा में जाते हैं और विश मांगने वाले रहते हैं कि जिनवू के गले में लटके लॉकेट को देखकर मिनसू उसे छू के उसके बारे में पूछती है कि वो दोनों थोड़ा क्लोज फील करते हैं और जिनवू उसे किस कर देता है। जैसे ही वो वहाँ से बाहर आते हैं हेयून धीरे धीरे चलते हुए आ गई थी। मिनसू अनकंफर्टेबल होती है और वहाँ से चली जाती है। अब क्योंकि स्कूटी का टायर पंचर हो गया था इसलिए मिनसू स्कूटी में धीरे धीरे आगे चली जाती है और हेयून साइकिल में जिनवू के साथ आती है। तब उसे एहसास होता है कि मिनसू उससे कभी भी इतनी दूर नहीं गई थी, ये फर्स्ट टाइम था कि वो उससे इतना दूर हुई है। देन वो दिन आ जाता है जब मिनसू अपने बॉयफ्रेंड की हुन के साथ सियोल जाती है। इस पे हेयून काफी ज्यादा नाराज होती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मिनसू जाए, प्लस मिनसू ने ये बात बहुत देर से बताई थी। मिनसू कार में बैठकर जा ही रही थी और जब वो खिड़की से बाहर झांक कर हेयून को बाय बोलती है तो हेयून उसके गले में माला देखती है जो जिनवू का था, जिससे वो समझ जाती है कि उस दिन माउंटेन में क्या हुआ होगा। हालांकि बाद में मिनसू को भी पता चल जाता है कि हेयून ने लॉकेट देख लिया है। सियोल में शिफ्ट होने के बाद मिनसू और हेयून आपस में लेटर्स के थ्रू बात कर रहे थे। हेयून की लाइफ अच्छी चल रही थी, वो अपने डैड के हिसाब से हाई स्कूल में अपनी पढ़ाई कर रही थी, बट समवेयर मिनसू की तरह ट्रैवलिंग और ड्राइंग करना चाहती थी। दूसरी तरफ जिनवू अपने डॉक्टर की डिग्री के लिए सियोल चले जाता है, बट मिनसू की लाइफ उतनी अच्छी नहीं चल रही थी। वो अपने लाइफ में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी ताकि वो फाइनेंशियली स्टेबल हो सके। इसी बीच उसकी मॉम की भी डेथ हो जाती है। इसके अलावा मिनसू का बॉयफ्रेंड किसी और के साथ अफेयर कर रहा था, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर मिनसू उसका गिटार तोड़ देती है। और शॉकिंगली मिनसू अपने लेटर्स में ये सारी बातें हेयून को नहीं बताती है। 5 साल गुजर जाते हैं, मिनसू छोटे छोटे कामों से परेशान हो जाती है और माइंड फ्रेश करने के लिए हेयून के घर जाने का फैसला लेती है। यहाँ हेयून घर में आती है तो देखती है कि मिनसू बिल्ली के साथ खेल रही थी। दोनों इमोशनल होते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। वो अगेन एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, घूमने वगैरह जा रहे थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो दोनों एक दूसरे से दूर थे। फिर वो दोनों एक रात गुजारने के लिए होटल में जाते हैं। हालांकि हेयून को वो होटल अच्छा नहीं लगा था क्योंकि वो ओयो रूम टाइप्स के थे, इसलिए वो मिनसू को लेकर दूसरे अच्छे होटल में रहती है एंड रूम का पेमेंट कर देती है। और मिनसू उसे नाराज होती है और कहती है कि डिनर उसके तरफ से होगा। डिनर करने के बाद मिनसू मेनू देखती है और हैरान हो जाती है क्योंकि वो उसके बजट के बाहर जा रहा था। ये देखकर हेयून बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं पे कर दूंगी, लेकिन मिनसू नहीं मानती, इसलिए वो बाजू में बैठे कस्टमर्स को कॉकटेल सर्व करती है जिससे उन्हें ड्रिंक की बॉटल फ्री में मिलती है। हेयून इस चीज से काफी नाराज हो गई थी और मिनसू से कहती है कि वो कब से कैलकुलेटिव हो गई। इस पे मिनसू बोलती है कि उसकी लाइफ काफी कॉम्प्लिकेटेड थी, एक टाइम तो उसके पास पैसा भी नहीं था कुछ खाने पीने के लिए और वो यही सब करके जीती थी। प्लस वो ये भी बोलती है कि हेयून ये सब नहीं समझेगी एंड वो अंदर ही अंदर खुश थी जब मिनसू की हुन के साथ जा रही थी। ये सुनकर हेयून एकदम नाराज होती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि मिनसू भी उस होटल से चली जाती है। सीन प्रेजेंट टाइम में स्विच होता है एंड हम देखते हैं कि मिनसू ऑफिस से घर आती है जहां उसकी बेटी सोई हुई थी। वो कपड़ा चेंज करती है और वापस ब्लॉग पढ़ने लगती है। एंड हम आते हैं 2012 में जब मिनसू एक प्री सेल कंसल्टेंट बन जाती है और अपने कस्टमर्स को हैंडल कर रही थी कि तभी उसे मिलने जिनवू आता है जो उसे बताता है कि वो मेडिकल एग्जाम के लिए यहां आया है एंड हेयून जीजू में है एज अ टीचर काम कर रही है और एग्जाम खत्म होने के बाद वो जाएगा उसे मिलने के लिए क्योंकि हेयून प्लेन में बैठने से डरती है। इस पे मिनसू बोलती है कि ये सब उसका बहाना है तुम्हें वहाँ बुलाने का, प्लस अब तो मेरा बॉस ही मेरा बॉयफ्रेंड है। यहाँ काम खत्म होने के बाद हम कनाडा चले जाएंगे, उम्मीद है तुम दोनों जल्दी शादी कर लोगे। कन्वर्सेशन के बीच में हम देखते हैं कि मिनसू के बॉस उसे कॉल कर रहे थे लेकिन मिनसू फोन पिकअप नहीं कर पाती है। इतने में पुलिस वहाँ आती है और स्ट्रेचर्स लेके जाती है। मिनसू ये देखकर दौड़ते हुए जाती है और देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड सुसाइड कर लेता है। मिनसू एकदम रोती रहती है और जिनवू उसे संभाल लेता है। जीजू में बैठ के हेयून सिस्टम से मिनसू के अकाउंट को चेक कर रही थी कि तभी उसे हनबुल यानी मिनसू के बॉयफ्रेंड का न्यूज मिलता है जिससे वो परेशान होती है और मिनसू से कनेक्ट करती है, लेकिन कोई जवाब ना आने पर वो जिनवू के अपार्टमेंट में जाती है और उसके घर में बाहर वेट करती है ताकि जिनवू के साथ मिनसू से मिल सके। बट शॉकिंगली हेयून देखती है कि मिनसू एकदम ड्रिंक करके जिनवू के साथ आती है। मिनसू हेयून को देख के गले लगाती है और जिनवू को बाहर खड़े करके मिनसू के साथ अंदर चली जाती है। अब क्योंकि मिनसू का बॉयफ्रेंड सारा पैसा वेस्ट कर दिया था इसलिए पैसा ना होने की वजह से उसे पीजी से बाहर कर दिया गया एंड वो जिनवू के साथ रह रही थी। वॉशरूम में हेयून मिनसू से नाराज होती है क्योंकि उसने अभी भी जिनवू का लॉकेट पहना हुआ था। इस पे मिनसू बोलती है कि उसे पहनने की एक वजह है, लेकिन हेयून उसकी एक नहीं सुनती और ये कहती है कि मिनसू की लाइफ में सिर्फ वही है जो उसे इतना प्यार करती है। इस पे मिनसू बोलती है कि वो सही कह रही है और वो दोनों ऐसे कैसे हो गए। ये सुनकर हेयून एकदम रोते हुए वहाँ से चली जाती है एंड मिनसू भी अपने बैग वगैरह लेकर जिनवू को लॉकेट देते हुए वहाँ से चली जाती है।
उस बात को बीते हुए एक महीना हो जाता है और जिनवू अपनी गलतियों को सुधारने के लिए हेयुन से शादी करने का डिसाइड करता है और जीजू में दोनों साथ में रहते हैं प्लस अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड करते हैं। हालांकि जिनवू उससे कहता है कि वो अपना सपना सियोल में जाकर पूरा करना चाहता है बिल्कुल हेयुन की तरह जो अभी टीचर बन गई है, बट हेयुन उसे जवाब देती है कि वो टीचिंग में नहीं पेंटिंग करना चाहती थी इसलिए वो टीचिंग छोड़कर पेंटिंग करना सीखेगी। बट शॉकिंगली जिनवू उससे कहता है कि पेंटिंग हॉबी ही रहने दो, वो स्किल है टैलेंट नहीं। ये बात हेयुन को अच्छी नहीं लगी इसलिए वो शादी के दिन अपना ड्रीम पूरा करने के लिए भाग जाती है और सियोल में अकेले प्लेन से जाती है। वो उसी कमरे में रुकती है जहाँ मिनसू कई साल पहले रुकी थी। रूम में रहकर हेयुन सबकी ड्रॉइंग्स बनाती रहती है एंड एक दिन मिनसू से मिलने उसे स्कूल में जाती है। मिनसू उसे अपने साथ पीजी में लेके आती है और अपने लैंडलॉर्ड से मिलवाती है। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद अगेन हेयुन वहाँ से जाती है और जाने से पहले मिनसू को इयररिंग्स देती है उसके नाम का और ट्रेन में बैठकर लेटर्स लिखती रहती है। सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि जिनवू मिनसू से मिलने आया था ताकि वो हेयुन को ढूंढ सके, लेकिन मिनसू बोलती है कि वो नहीं जानती कि अब वो कहाँ है। तभी उसे हेयुन के नाम से कॉल आता है बट शॉकिंगली वो हेयुन नहीं हेयुन की बेटी थी। मिनसू जिनवू को बताती है कि जब हेयुन उससे मिलने स्कूल में आई थी तब वो प्रेग्नेंट थी और वो जिनवू का ही बच्चा है। डिलीवरी होने के बाद हेयुन अपने ड्रीम को फुलफिल करने चली जाती है, देन उसके बाद से कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ था। प्लस मिनसू ये भी बताती है कि हेयुन उन दोनों को किस करते हुए देख ली थी। ये सुनकर जिनवू कहता है कि क्या वो अपनी बेटी से मिल सकता है। इस पे मिनसू बोलती है कि अपनी पहचान मत बताना क्योंकि ये हेयुन चाहती थी। जिनवू उस बच्ची से मिलता है कि हम अगेन पास में आते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि दरअसल हेयुन को डिलीवरी के एक दो दिन के बाद सर्जरी की वजह से बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया था जिसकी वजह से वो अपने 27 के एज में मर जाती है। डेथ सर्टिफिकेट में जब मिनसू हेयुन के एज लिखती है तो बहुत ज्यादा रोती है बट वो ये सारी बातें विनजू को नहीं बताती। सारा काम निपटाने के बाद मिनसू हेयुन की मॉम से मिलने जाती है जो उसे बताती है कि उनकी बिल्ली मर गई है। प्लस वो चाहती है कि हेयुन की चीजें जो सियोल में एक अपार्टमेंट में रखा हुआ है मिनसू उसे लेके आ जाए। मिनसू ये बात सुनकर वो उसी एड्रेस पे जाती है जहाँ हेयुन रहती थी। शॉकिंगली मिनसू को पता चलता है कि ये उसका पुराना अपार्टमेंट है जहाँ वो फर्स्ट टाइम रही थी। रूम को चेक करने पर उसे बिल्ली, जिनवू, उसकी मॉम की ड्राइंग और लास्ट में मिनसू की ड्राइंग दिखाई देती है। ड्राइंग्स को देखते हुए मिनसू हेयुन को याद करती है और खुद उसका ब्लॉक कंप्लीट करती है। प्लस ईमेल्स के थ्रू आर्ट गैलरी की क्यूरेटर को हेयुन बनकर ड्राइंग्स भेज देती है। उसके बाद जब क्यूरेटर के बुलाने पर मिनसू और हेयुन की बेटी एज अ विजिटर्स आर्ट गैलरी में जाती है और वो एक एक करके हेयुन के सारे ड्राइंग्स दीवार पे देख के खुश होती है कि उसने एटलीस्ट अपनी फ्रेंड की ड्राइंग्स को दुनिया तक पहुंचाई। फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि मिनसू हेयुन के बनाए हुए उसी की ड्राइंग में खो जाती है और इमेजिन करती है कि हेयुन बुकार आइलैंड में माउंटेन की तरफ एक ब्यूटीफुल स्माइल करते हुए जा रही है क्योंकि एक समय वो दोनों वहाँ साथ में जाने का सपना देखे थे। और इस तरह हमारी फिल्म यही खत्म होती है। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स को, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।